ये होता है जी यहाँ से बांडीपोरा का मार्केट शुरू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको अनएक्सप्लोर्ड जगह दिखाऊंगा कश्मीर की। अभी हम जा रहे हैं बांडीपोरा और अभी सामान मेरा पैक भी हो गया है और अभी मैं निकल रहा हूँ बांडीपोरा की, और बांडीपोरा में जाके कुछ दोस्तों को मिलेंगे, वहाँ से फिर कुछ ऐसी जगह देखेंगे जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। तो बने रहे मेरे साथ, चलिए तो मिलते हैं बाइक पे। चलिए तो चलते हैं, करते हैं शुरू अपना सफर। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह। तो आज हम थे इधरी दोस्त के यहाँ जो कि शाल्टिंग में रहता है, और हमने यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी। आज जा रहे हैं हम बांडीपोरा की ओर, जो कि मैंने आपको इससे पहले अपनी बोल दिया। आज मुझे लगता है एंगल अच्छा रहा कैमरा का, पिछले व्लॉग्स में आपने शिकायत की थी कैमरा का एंगल अच्छा नहीं होता, आज एंगल भी अच्छा रहा। और अब चलते हैं, और इस साइड में हमारे साथ है मोमिन साहब एज यूजुअल होते ही, और मेरे पीछे बैठे हैं दूसरे दोस्त जिनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, इनका नाम है बोस्तान। ये कुछ टर्किश फारसी नाम पता नहीं क्या, दोस्तान है इनका नाम। और चलिए तो चलते हैं अपने सफर पे, आज बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह रहमान। हम पहले बांडीपोरा जाएंगे, वहाँ एक दोस्त है उससे मिलेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा बांडीपोरा की एक दो अनएक्सप्लोर्ड जगहें एक्सप्लोर करेंगे। और ये पहुंच गए हम सफापोरा, सफापोरा जो कि गांदरबल में आता है। ये माना जाता है मानसबल लेक की वजह से, मानसबल लेक जो कि गांदरबल में है। वो अभी बस पहुंचने वाले हम, आएगा राइट साइड से, आप देख सकते हैं। देखिए तो ये रही आपके राइट साइड से मानसबल लेक, कितनी खूबसूरत है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये पहुंच गए जी हम वुलर लेक, देखिए कितनी खूबसूरत लेक है। वुलर लेक जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, पूरे एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसकी 80% वाटर सप्लाई आती है झेलम से, और इसमें एक जगह बीच में जैनुल आबदीन ने बनाया हुआ है आइलैंड जैसा आर्टिफिशियल आइलैंड, उसका नाम जैनल लंक है। वो कुछ 1500 कुछ में बनाया गया है, और जो वुलर लेक है शायद एक दो डिस्ट्रिक्ट में आती है, बहुत बड़ी लेक है। चलिए तो चलते हैं आगे। हम पहुंच गए हैं बांडीपोरा, और यहाँ ऑटोज चलते हैं अभी भी, ये शेयरिंग ऑटोज है। ये होता है जी यहाँ से बांडीपोरा का मार्केट शुरू। यहाँ अच्छा खासा मार्केट है, ये है शायद मेन चौक बांडीपोरा जैसा कि मुझे दिख रहा है। मैं आपको पहले थोड़ा सा बांडीपोरा में हमें एक दोस्त से मिलना है, दोस्त को भी अपने साथ लेके जाएंगे फिर आगे। चलिए तो चलते हैं अब यहाँ से हम राइट दोस्त के घर की ओर। हम तो पहले भी राइट निकल सकते थे एक जगह, वहाँ जाके वहाँ से गया, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा मार्केट घुमा के आता हूँ। बांडीपोरा की तीन चीज़ें बहुत ही मशहूर है जो कि कश्मीर में बोलते हैं, अलिम अदब तो आप चाहिए थे, आप तो देख ही सकते हैं पानी कितना अच्छा है यहाँ का, और अलिम यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, और अदब जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वाले बंदे रहते हैं इसलिए अदब।
ये पहुंच गए हम आदिल के घर, वो जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ हम आज रात को स्टे करने वाले हैं। कितना ही अच्छा मकान बनाया है इन लोगों ने, और सबसे बेस्ट प्लेस पे, इर्द गिर्द बस पहाड़ ही पहाड़ है और नेचर में अलग ही रहने का मज़ा है कुछ। चलिए जी चलते हैं वापस, अब जाएंगे किसी जगह को एक्सप्लोर करने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। अब उनके घर में रुके थे, वहाँ इनके अबू मामा से मिले और चाय शाय पिया, और अब चले वापस अपने सफर पे। और जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस जगह को हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका नाम है सुरेंद्र। बहुत कैसा लगा? थोड़ा नाम थोड़ा डिफरेंट है, मगर जगह बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। वहाँ तो मैं खुद भी नहीं गया हूँ, जैसा कि इन्होंने बोला मेरे दोस्तों ने, थोड़ा अच्छी जगह है, नाम है सुरेंद्र जगह का। चलो चलते हैं देखते हैं हम कैसी जगह है। जिस हिसाब से इन्होंने तारीफ की, मुझे लगता है अच्छी जगह है। और ये डीसी ऑफिस से जाना पड़ता है। अब जब श्रीनगर से आएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से जा सकते हैं डीसी ऑफिस से। और ये रहा जी डीसी ऑफिस बांडीपोरा का, हिली रोड से आगे। कहाँ रहते हैं ये, कितना मजा आता होगा इनको यहाँ रहने में। ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी है। ओ देखिए क्या क्रॉस कर रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं नदी को उस पार भी रहते हैं लोग, इस पार भी रहते हैं लोग। यहाँ से पेड़ काट के ले रहे हैं, पेड़ों की मंडी लग रही है। देखिए कहाँ से चढ़ते हैं, रास्ता भी नहीं है। शुक्रिया। ओ वाजा चल रहा है वहां पे, वाजा कुछ पका रहा है, मुझे लगता है चलिए दावत खाने जाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे रोकने फॉर पे है, इनको रोकने की सिग्नल दी मैंने। सुभान अल्लाह, यहां से ऊपर भी जाते हैं लोग, यहां से रहते हैं ऊपर, वो यहां से क्रॉस करके यहां से जाते हैं ऊपर, वो ऊपर जो मकान है वहां पे। देखिए गाड़ियां कहां से चल रही है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहां से, और मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने देखी होगी ये जगह, मेरे हिसाब से। देखिए कहां पे एंजॉय कर रहे हैं। यहां से हम नीचे से चढ़ के आए ऊपर, अल्लाह की कुदरत ही कुछ अनोखी है। कितनी ऐसी ऐसी जगह है जहां नहीं घूमे, देखेंगे इंशाल्लाह सारा देखेंगे। ओ दी एंड हो गया जी, दी एंड हो गया।
और जो रोड था वो इधर ही तक था, और बाइक हमने रखी यहाँ पे, और अब थोड़ा बहुत चढ़ेंगे ऊपर, यहाँ से देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ भी लोग रहते हैं ऊपर, बस ये दो चार मकान है यहाँ पे और फिर कुछ नहीं। देखिए कहाँ पे रहते हैं वो। चलिए तो चलते हैं वापस, यहाँ से जाएंगे किसी और जगह, किसी और जगह को एक्सप्लोर करने। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, और दो अनएक्सप्लोर्ड जगहें दिखाएंगे आपको बांडीपोरा की। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को।